जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ये रहा मेरे पास स्कैनर, ठीक है। ये जो मतलब उसमें से निकला था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है तीन कलर की लाइट जलती है। ये वाली कौन सी वाली, इसमें जो रहती है ना, आपने ज़्यादातर ग्रीन देखी होगी स्कैनर में, पर इस वाले में थ्री हैं, थ्री तीन कलर के हैं, ठीक है। थ्री 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 कौन सी, RGB है, ठीक है। तो पहले अपन चेक कर लेते हैं, तो अपन कहाँ थे, अपन ने क्या करना था, अपने कुछ मोटर के वो कर लिए थे अपन, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने RGB कनेक्शन में। कनेक्शन आपको किस करना है वो बता देता हूँ। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ऐसी एक बैटरी ले लें 3 वोल्ट की, और उससे चेक कर लें डायरेक्ट चल के, ठीक है। डायरेक्ट कैसे, एक मोटर आप वायर में कनेक्ट कर लें उसका, ठीक है, और एक ऐसे ओपन रखें, ठीक है, और उसको चेक करते रहें। चेक करने के बाद जैसे ही आपको मीन्स मिल जाएंगे, आप पहले तो ये वाले पॉइंट देख लेना, आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट ये दिख रहा है ना आपको, ये वाले यही होते हैं वैसे बल्ब के पॉइंट, ठीक है, RGB के। यहाँ आप चेक कर लेना, नहीं तो फिर आपको अंदर चेक करना होगा। आप ऐसे टच करते जाओगे ना, वन बाय वन ऐसे ऐसे लगाया, ओके। तो ये सारे बल्ब आप चेक कर ही लोगे, ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। अगर आए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको ढूंढना दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ले चलता हूँ इसके कनेक्शन की ओर, ठीक है। ये रहा गए इसके कनेक्शन, ठीक है, अलग अलग वायर अलग अलग उसके लिए, ठीक है। और आपको बता दूँ, ये रहा आर्डिनो बोर्ड, जिससे आप कनेक्ट करके इसे चला पाओगे। इसकी कोडिंग तो आप जानते हो, आप लैपटॉप मोबाइल दोनों से कर सकते हो आर्डिनो ऐप के द्वारा, और लैपटॉप में भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको इंस्टॉल करके उसमें, और इसे बाय USB केबल कनेक्ट करके आप इसमें कोडिंग कर सकते हो। तो मैं आपको कोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं से इसमें क्या कर देता हूँ, कोड डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं कोड अपलोड कर दूँ इसमें। तो अगर स्क्रीन भी देखना हो कोड अपलोड करने की, तो बता दो। तो वह जाते हैं अपन डायरेक्ट अपने उस पे, ठीक है, जहाँ से अपन को इसे मेंटेन करना। ये आ गया अपना आर्डिनो कोडेड हो चुका है, ठीक है। पिन कॉन्फ़िगरेशन भी उसमें ही लिखा हुआ है कि आपको कौन सी पिन कहाँ पे लगाना है। मैं आपको बस बोर्ड को बोर्ड कहाँ ले गया आर्डिनो, चलो रुको रुको रुको, आया एक मिनट आया। देखो ये केबल आती है अपनी काय के साथ, ये आती है अपनी मतलब प्रिंटर के साथ, ठीक है। तो मैं इसी को कनेक्ट कर देता हूँ आर्डिनो से भी, बहुत फायदेमंद चीज़ मिली मुझे इतनी बड़ी, नहीं तो यही है ना 100-150 रुपये की आती है। अगर आपके घर में प्रिंटर हो ना, तो आप उसी की केबल से अपलोड कर सकते हो। ये लगाए केबल, ये दूसरे लगाया 5 वोल्ट चार्जिंग, और ये हो गया अपना आर्डिनो चालू वर्किंग, ठीक है। नाउ पिन कॉन्फ़िगरेशन सुनो, ये अब इसको अपने क्या करना, इसमें मैं बता देता हूँ तुम्हें, मेरे को तो पता, ये अपना ब्लू है, ठीक है, ये वाला ब्लू है, ये रेड रेड है, ये डार्क येलो सा है ना, ये अपना ग्रीन है। तो इसका मैं बता देता हूँ, इसको क्या करना है आपको, जो आपका ब्लैक है ना कॉमन वायर, वो कर देना है आपको इसके 5 वोल्ट में, ठीक है। और उसके बाद रेड आपको कर देना है 10, ये PWM पिंस हैं उसके, देखो जैसे ही आपने 10 मिलाया रेड जल गया, ठीक है। किसका कोड रनिंग है, कंडीशन वर्किंग है, इसे 9 में लगाया ब्लू जल गया। और इससे जैसे ही आप एक लास्ट वाले को ग्रीन में लगाओगे, एक बार मैं आपकी इसकी जो पिंस वगैरह है ना वो पास से दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है यार, पर आप देख सकते हो कि जो मेरा ब्लैक वायर है वो 5 वोल्ट के पिन में अटैच है, ठीक है।
उसके बाद इस तरफ चले तो ये रहा 9, 10, 11, ठीक है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही आप कनेक्ट कर लोगे ना, आपकी ये चल जाएगी मस्त मस्त। और अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताओ, सॉल्यूशन ऊजा जी के पास है। ठीक है गाइस, एकदम मैं इसका ग्रीन काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है एक मिनट रुकना। हाँ ग्रीन भी काम कर रहा है, तो ये मैंने सही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कलर कॉम्बिनेशन कितना मस्त है, इसे आप आपके टेबल के नीचे या जहाँ भी आप लगाना चाहो ना वहाँ लगा सकते हो, आप टीवी के पीछे या आप गेमिंग पीसी वाले हो ना, तो आपके पास अगर ऐसे 3 के समथिंग रोड होगा ना, आप आपके पीसी में लगा लो। ठीक है सर, अब मेरे पास पीसी नहीं, तो मैं कनेक्ट करके बता देता, मतलब हाँ सीपीयू उससे कनेक्ट करके बता देता। तो ये आ गया 3 कलर में, ये ऑटोमेटिक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और इसकी कोई टेंशन नहीं लेने का कि ये ख़राब होता है, आपका आर्डिनो 47 डे तक कंटिन्यू वर्किंग रहता है। ठीक है, उसके बाद हाँ वैसे वो चलते रहता है, उसका कोई डैमेज होता नहीं क्योंकि वो 5 वोल्ट से रन हो रहा है, तो वर्किंग करता रहता है। ठीक है, तो यही था, तो मैं आपको इसके नाइट के भी 2-4 फोटो बता दूंगा कैसा रहता है। ठीक है, तो नाइट के दिखा दूंगा, उसके बाद आप बोलते बस आप इसको लगा सकते हो मस्त ऐसे, RGB इफेक्ट आपको मिल जाएगा। देखो आपको 3 कलर का ये, और भी मैं सोच रहा हूँ मेरे पास अभी वो RGB नहीं, तो मैं आपको और भी चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब टोक लो, और तो कमेंट करके बताओ कैसी है वीडियो और आपको और क्या चाहिए। ठीक है, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बना रहे हैं एक ट्रक, RC ट्रक। ठीक है, बाय गाइस, अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सही है ना, नेक्स्ट वीडियो अच्छी हो।